हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक एजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले रियलमी 2 के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली बहुत दिनों के बाद रियलमी 2 और रियलमी C1 में अपडेट रिसीव हो गया है। OTA के द्वारा आपको सभी को मिल जाएगा अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो डिवाइस है वो रियलमी 2 है और इसमें अपडेट मिल गया है मुझे। मतलब मैंने ये मैनुअली अपडेट किया, पर आपको 1 वीक के अंदर जो OTA के द्वारा अपडेट मिल जाएगा सभी डिवाइस में, Realme 2 और Realme C1 में। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले कि इस अपडेट में आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं और कंपनी ने क्या क्या बग्स फिक्स किए इस अपडेट में। तो फ्रेंड, बड़ा टाइम वेस्ट किया, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अपडेट लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच October 5, 2019 सिस्टम लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। एडेड मैनुअल लॉक फीचर बाय लॉन्ग प्रेस द पावर बटन, कस्टमाइजेबल डाटा कंज्यूम्ड रिमाइंडर, अपडेटेड बैटरी इंटरफेस एप्लीकेशन। नीचे आप देख सकते हैं एडेड गूगल डिजिटल वेलबिंग लॉन्चर, तो डिजिटल वेलबिंग भी आ गया है। ऑप्टिमाइज्ड लॉक स्क्रीन क्लॉक विजिट स्टाइल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडेड द डेट एंड वेदर विजिट्स, ऑप्टिमाइज्ड स्मार्ट असिस्टेंट इंटरफेस, नोटिफिकेशन सेंटर एंड स्टेटस बार। स्वाइप लेफ्ट और राइट टू रिमूव द मैसेज प्रॉम्प्ट आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, रीडिजाइन द नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल। नीचे आप देख सकते हैं एडेड स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन टू एक्सेस द नोटिफिकेशन सेंटर, एडेड अ स्विच ऑफ नोटिफिकेशन डॉट फॉर अपडेट्स, नो इशू फिक्स। तो यहाँ पर इशू भी फिक्स किया या बोल सकते बग्स फिक्स किया, तो काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारे बग्स थे रियलमी 2 में खास करके। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है जो हमारा, फिक्स द इशू डैट द USB पॉपअप विंडो कैन नॉट बी पॉप्ड। तो यहाँ पर सही बात है, USB लगाते थे तो भी पॉप नहीं होता था नोटिफिकेशन पैनल में। नीचे आप देख सकते हैं फिक्स अ पार्ट ऑफ सीन विद अ स्लो स्क्रीन ब्राइटनेस इशू, फिक्स वाईफाई कनेक्शन इशू, फिक्स्ड सम एप्लीकेशन क्रैश इशू, फिक्स सम ऑफ द सिस्टम स्टक इशू। तो बहुत सारे यहाँ पर बग फिक्स किए गए। और नीचे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 9.0, तो यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 9.0 है और जो हमारा अपडेट का वर्जन है वो पिछला 8.60 था और ये 8.61 है। तो यहाँ पर अभी हम जाते हैं सेटिंग में, तो मैं होम प्रेस कर देता हूँ सेटिंग में। यहाँ पर हम जाते हैं अबाउट फोन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है हमारा वो अपडेटेड हो गया है October 5, 2019 पे। तो यह काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं वर्जन 8.61 अपडेटेड हो गया है और एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हैं 9 ही है। तो और ColorOS वर्जन 6.0 पे रन हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके, तो यहाँ पर डिटेक्टिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन ColorOS 6 और आप देख सकते हैं जो वर्जन है वो 8.61 है। इसके फीचर्स पे क्लिक करके तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, सिस्टम आपको दिख जाएगा, फिक्स सम बग्स एंड आप देख सकते हैं इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी यही दिखाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इसके जो फीचर है वो मुझे क्या पसंद है। तो आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन पैनल है वो काफ़ी बढ़िया दिखता है। अभी जो पहला वाला था जो बॉक्स वो इतना अच्छा नहीं दिखता था, मतलब ये एकदम सही दिखता है, मुझे काफ़ी पसंद है। सबसे पहले जो चेंजेस है वो मुझे यही ज़्यादा पसंद आ गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। और हम दूसरे फीचर की बात करें तो अगर आप पावर बटन प्रेस करके रखते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सिक्योर लॉक, अगर आप क्लिक करते हैं उसके ऊपर तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा, आप फिंगरप्रिंट से उसको अनलॉक नहीं कर सकते। अगर आपने पासकोड या पैटर्न लगाया वो आप इनपुट करके अनलॉक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मुझे, मतलब सिक्योर हो जाएगा आपका डिवाइस। तो अभी हम जाते हैं सेटिंग में, यहाँ पर जाते हैं बैटरी के एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं जो इंटरफेस या बोल सकते हैं जो लुक है वो चेंज हो गया, यहाँ पर आपने कितने बैटरी यूज़ की है, स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर दिखा रहा है। तो बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया था कि ये नहीं दिखाता है भाई ColorOS में, तो यहाँ पर फाइनली आ गया है। आप देख सकते हैं कितने देर तक आपका डिवाइस चलेगा वो सभी दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी। तो अभी हम जाते हैं वापस सेटिंग में और वाईफाई में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बग है वो क्लियर हो गया अभी सही में। मतलब पहले मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं होता था, बार बार रिट्राई होता था, तो वो सॉल्व हो गया। यहाँ पर लॉक स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो क्लॉक स्टाइल है वो चेंज हो गया, पहले वर्टिकल में था तो अभी हॉरिजॉन्टल में क्लॉक स्टाइल हो गया। तो ये कुछ चेंजेस हो गए इसमें, तो काफ़ी सही अपडेट है ये। फ्रेंड्स, सभी को ये अपडेट मिलना मांगता है OTA के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स भी आ गए और बहुत सारे बग्स भी फिक्स हो गए। और फीचर की बात करें हम तो, अगर आपको जो नोटिफिकेशन आता है या मैसेज आता था तो उसको आपको स्वाइप अप करके हटाना पड़ता था, तो अभी आप स्वाइप लेफ्ट और राइट करके भी हटा सकते हैं। तो ये एक उन्होंने फीचर ऐड कर दिया गया, ये एक बग्स भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पिंच करते विजिट्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया विजिट देखने मिलता है, जो कि उसमें आपको जो डे दिखाएगा, मंथ दिखाएगा, डेट दिखाएगा और वेदर दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक विजिट आ गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कुछ ना कुछ नया दिया जा रहा है।
अभी हम जाते हैं वापस सेटिंग में और यहाँ पर जो मेन फीचर है वो आ गया डिजिटल वेलबिंग, आप देख सकते हैं। तो बहुत लोग यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट किए थे कि डिजिटल वेलबिंग नहीं आया, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप कैसे डिजिटल वेलबिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ऑफिशियल डिजिटल वेलबिंग आ गया है, तो हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने मिल जाएगा, यूट्यूब आप देख सकते हैं, व्हाट्सअप, कैलकुलेटर, क्रोम वगैरह सब जो जो आपने यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलॉक यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं लॉक करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर सही में काम कर रहा है कि नहीं आप ही देख लेना। तो यहाँ पर मैं अनलॉक कर लेता हूँ डिवाइस, आप देख सकते हैं 56 हो गया। आप देख सकते हैं जो मुझे नोटिफिकेशन है वो भी दिखा रहा है, यहाँ पर 86 जो नोटिफिकेशन आए हैं मुझे सुबह से। अभी हम इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे मतलब मंथ का मुझे शायद लग रहा है दिख जाएगा। हाँ आप देख सकते हैं मंथ का नहीं, ये वीक का आपको दिखाई देगा कि आपने कौन सा ऐप ज़्यादा यूज़ किया, ये सभी आपको दिखाई दे। और यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंट में भी कुछ चेंजेस किए गए, पर यहाँ पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर अगर आप ऐड के आइकन पे क्लिक कर देते तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ नया ऑप्शन है, ट्रिप मैनेजमेंट, स्टेप ट्रैकर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भाई ये नया आया है सही में, क्योंकि मुझे पता नहीं, इसमें मैं कभी गया नहीं, तो ये कुछ नया लग रहा है मुझे, स्टेप ट्रैकर ये सभी, तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कुछ ना कुछ तो नया देते ही जा रहे। और हम बात करें बक्स की, तो बक्स यहाँ पर बहुत सारे फिक्स हो गए, जैसे कि वाईफाई का, कभी कभी मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता था तो मुझे सेटिंग में जाके कनेक्ट करना पड़ता था वाईफाई के ऑप्शन में जाके, तो अभी वो सॉल्व कर दे। अगर आप ऐप भी ओपन कर दे तो वो भी कभी कभी क्रैश होता था, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व कर दे। बैटरी रनिंग इशू का तो कुछ पता नहीं, कुछ बताया नहीं इस अपडेट में, वो तो चेक करके पता चलेगा। और फ्रेंड्स कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना कि ये अपडेट आपको OTA के द्वारा मिला है कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले ये अपडेट कितने लोगों को मिला है। तो बस फ्रेंड इतना इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं इस वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।